हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे प्रीमियम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए www.gangwarinstitute.com पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। पहले रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इन वीडियो लेक्चर को आप परचेस कर सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के सभी 38 चैप्टर्स को और उनके टॉपिक को कवर किया गया है। करीब 100 घंटे में इन सभी टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं और अपने नीट 2020 में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और इस समय हम डिस्कस कर रहे थे वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और ट्रांसक्रिप्शन में तीन तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होना। जब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो कौन से मेथड आपको यूज करने, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2018 में आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया गया, ए जी जी टी ए टी सी 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 ए टी इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन, व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। जो आपको यहाँ पर स्ट्रैंड दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कि कोडिंग स्ट्रैंड आपको दिया हुआ है। तो जब एग्जाम में आपको कभी कोडिंग स्ट्रैंड दिया जाए और उससे मैसेंजर आरएनए आपको बनाना हो, ये कोडिंग स्ट्रैंड है इससे आपको मैसेंजर आरएनए बनाना, तो आपको केवल एक काम करना है, जहां जहां पे थायमीन है उसकी जगह यूरेसिल कर दीजिए और बाकी कोई चेंज मत करिए। यानी अब इससे आपको एमआरएनए बनाना, तो ए को आप मत चेंज करिए, ए लिख दीजिए, जी को जी लिख दीजिए, जी को जी लिख दीजिए, टी की जगह पर आपने यू कर दिया, ए को ए ही लिखिए, टी की जगह यू करना है, फिर सी 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 ए यू, ये आपका आंसर आ गया। विद इन सेकंड्स आप आंसर कर लेंगे, ये आपका मैसेंजर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन देख के आपको डर लगता है आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको साथ में लगे रहना अगले करीब 4-4.5 महीने तक। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करने का आसान तरीका सिखाऊंगा। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, विद इन सेकंड्स में आपका आंसर निकल आएगा। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि द एमआरएनए फॉर्मड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग डीएनए वुड बी, यहां पर दो सवाल और मैंने दिए। अब जैसे ये सीक्वेंस दिया आपको, इसमें उसने कोडिंग और टेम्पलेट का जिक्र नहीं किया, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो 5 से 3 प्राइम आपको दिया गया है ये एक्चुअली कोडिंग स्ट्रैंड आपको दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 से 3 जो होता है डीएनए का स्ट्रैंड उसे कोडिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं। और कोडिंग स्ट्रैंड से जब भी आपको मैसेंजर आरएनए बनाना हो तो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप केवल थायमिन को यूरेसिल से रिप्लेस कर दें, बाकी कोई चेंज ना करें। तो अब आप यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे वो जी सी ए, और यहाँ पर टी है तो यू कर दीजिए, जी को जी ही रखिए, ए को ए रखिए, टी को यू कर दीजिए और यहाँ सी कर दीजिए। ये आपका मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको टेम्पलेट या कोडिंग लिख के नहीं दिया गया, तो आपको पहचानना है कि 5 से 3 वाला कोडिंग स्ट्रैंड होता है। दूसरे सवाल में देखिए 3 से 5 की तरफ आपको दिया गया है, तो अब आप ये जान लीजिए कि अगर 3 से 5 आपको दिया गया है तो इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब आपको आंसर करना हो तो आपको कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल को फॉलो करना है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब यह है कि जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा और टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा। तो आपको कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल फॉलो करना, अगर क्वेश्चन में टेम्पलेट स्ट्रैंड लिख के दिया गया हो या फिर आपको 3 से 5 प्राइम वाला डीएनए दिया गया हो तब आप कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल को फॉलो करेंगे। और अगर कोडिंग स्ट्रैंड लिख के दिया या 5 से 3 दिया गया है तो केवल टी को यू से रिप्लेस करना, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो यहाँ चूंकि 3 से 5 दिया गया तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इससे जब आप आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री आप निकालेंगे, दैट इज ए। ए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में टी होता है लेकिन अभी आरएनए आप बना रहे हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यू हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ये आपका आंसर आ गया।
दिस इज मैसेंजर आरएनए। तो बस ये तीन तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो क्वेश्चन में आपको टेम्पलेट या कोडिंग स्टैंड लिख के देगा, तो आप उस हिसाब से आंसर करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कोडिंग स्टैंड इसको बताया, तो आपने केवल थायमिन की जगह पर यूरेसिल प्लेस किया, बाकी कोई सिक्वेंस आपने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। जब वो टेम्पलेट लिख के देगा तो आप कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल अप्लाई करेंगे। 5 से 3 देगा तो आप समझेंगे कोडिंग है, और जब 3 से 5 वो लिख के देगा तो आप उसे टेम्पलेट स्टैंड कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रांसक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप देख के उसे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्या होती है तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। और खुद भी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे, जिनमें क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व करने के तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।